चले ठीक है। दैनिक शिवचंद से फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। इस समय हम प्रेस क्लब के आपको दृश्य बता रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर देखिए पुलिस भी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी तैनात है, पर जो अपनी पार्टी की महिला विंग है वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि बजट, किचन का बजट तो कहीं ना कहीं आम गृहिणी के हाथ में होता है, और जब आम गृहिणी यानी कि किचन के बजट में ही गड़बड़ाहट हो तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। और इस समय हम आपको बता रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य, और जिस तरह से इस प्रदर्शन को जो है वो आगे नहीं आने दिया, प्रदर्शन जो कि प्रदर्शनकारी बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिलहाल पुलिस यहाँ पर तैनात है, महिला जो पुलिस अधिकारी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको बता रहे हैं लगातार आए दिन धरना प्रदर्शन होते हैं, कभी महंगाई को लेकर, कभी बेरोजगारी को लेकर, पर कहीं ना कहीं आम जनता आज परेशानी इसलिए है कि कहीं ना कहीं जल जीवन जो कि अस्त व्यस्त हो गया किसी की, यानी कि एक तरफ बेरोजगारी की मार और दूसरी तरफ महंगाई की मार से यहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से वो प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर कोशिश यही है कि इस और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ये क्या, हर कोई आज परेशान है क्योंकि हर कोई चाहता है कि कम से कम दो वक्त की रोटी तो मुहैया हो, पर लगातार महंगाई की मार से आम जनता की, आम नागरिक की कमर टूट रही है, और जिसके चलते धरने प्रदर्शन भी लगातार किए जा रहे हैं। महिला विंग अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, और धरना प्रदर्शन जो कि इनकी नेतृत्व कर रही है नम्रता शर्मा, की कोशिश करते हैं क्योंकि महंगाई का मुद्दा जो है वो काफी बड़ा मुद्दा है, और ऐसे में और महंगाई कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के साथ, व्यक्ति का चल चल जीवन जो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त कर रही है। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं और साथ ही साथ LPG की दरें, और जिस तरह से सब्सिडी के नाम पर भी कहीं ना कहीं इनका कहना है कि धोखा किया गया। इस समय लाइव दृश्य जम्मू से दैनिक शिव टाइम के माध्यम से प्रेस क्लब के बता रहे हैं कि अपनी पार्टी महिला विंग की तरफ से यहाँ पर जिस तरह से आप जाते हैं एसेंशियल आइटम्स के दामों को लेकर भी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो तेल की बात करें, खाने वाले तेल की बात करें, चाहे दालों की बात करें, चाहे LPG की बात करें, यानी हर तरफ से आम जनता की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। और इसी के चलते अपनी पार्टी जो कि महिला विंग ने आज केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो जागिए, विपक्ष भी लगातार कोशिश कर रहा है, कांग्रेस की बात करें कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, पैंथर पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है, और बात करेंगे अपनी पार्टी भी लगातार अब प्रदर्शन कर रही है, और कहीं ना कहीं घेरे हैं केंद्र सरकार को, और कोशिश की जा रही बाहर आने की, और पर पुलिस द्वारा यहां पर महिला पुलिस कर्मी भी तैनात की गई हैं। और यहां पर हम बता रहे हैं इनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, और यहाँ बता रहे लाइव दृश्य रोका जा रहा महिला पुलिस कर्मियों द्वारा, हम अपनी पार्टी की महिला जो विंग है उनको रोका जा रहा है कि बाहर ना आने दिया जाए। इस समय लाइव दृश्य हम आपको दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं, लगातार बार जब बाहर जाने की कोशिश की जा रही है, पर यहाँ पर पुलिस तैनात है, और यहाँ पे और जिस तरह से पुलिस की माध्यम से रोका जा रहा है क्योंकि जब कोशिश यही की जा रही है, कोशिश की जा रही है पुलिस के साथ, ये समय
पुलिस बल का भी प्रयोग किया जा रहा था ताकि महिलाएं इस बैरिकेड को पीछे कर कर बाहर ना निकलें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। और यहाँ आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लाइव दृश्य दैनिक शिवक्रम के माध्यम से बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा था कि ये प्रदर्शनकारी बाहर रोड पर ना आए और कहीं ना कहीं आम जनता को असुविधा का सामना ना करना पड़े। लगातार महंगाई की मार को लेकर अब विपक्ष, जो कि विपक्षी दल लगातार सामने आ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं केंद्र सरकार पर। लगातार केंद्र सरकार से ये सवाल पूछती है आम जनता कि आखिर जिन चीज़ों का वायदा किया था उसकी वायदा खिलाफी क्यों की गई। ये कहा गया था रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे, महंगाई से छूट मिलेगी, यानी महंगाई से आपको निजात मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। लगातार अब विपक्ष केंद्र सरकार पर सवाल उठाता और केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं घेरा डाले हुए, कटाक्ष करते हुए आड़े हाथों लेते हुए कि क्या केंद्र सरकार आम जनता की आवाज़ को नहीं सुन पा रही। जिस तरह से महंगाई की दरें लगातार बढ़ती जा रही है, आम जल जीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हो पड़ा, और महिलाओं की बात करें तो रसोई गैस, महिलाएं जो रसोई की रानी होती हैं और जब उनके बजट में गड़बड़ी हो तो महिलाओं का सड़कों पर उतरना अनिवार्य है। और ये मतलब बता रहे हैं आपको और दूसरी तरफ जो महंगाई है वो 101 रुपया लीटर। आप ही के आंटी जी थोड़ा ना के है राय रानी, तुम भी आए हो? हां जी। तुम किधर वास्ते आए हो? जीते अपनी पार्टी करने आए ना? हाँ जी। तुसें क्या खेल है गए थे, किस वास्ते आए? कुछ ना कुछ आखे होना कुछ नहीं आखा मेरी जुठानी। और देखिए ये महिला बुजुर्ग है, आई तो है पर इनको पता नहीं है किस लिए आई है। हमारा कर्तव्य सच भी दिखाना, यानी अगर जो महिला है उनको ये भी नहीं पता हो किस लिए यहाँ पे है। ये सीनियर सिटीजन है, सीनियर है महिला, बुजुर्ग महिला है, इनसे पूछा कहते मुझे नहीं पता मैं क्यों आई हूँ। हाँ, ये समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। आई तो जरूर है अपनी अपनी पार्टी की महिलाएं विंग जो कि यहाँ प्रदर्शन करने पर, कुछ महिलाएं ये भी, उनको ये भी नहीं पता वो किस लिए यहाँ पर आई हैं। ये भी कहीं ना कहीं बड़ा ही अचंभा लगता है कि अगर आप आते भी हैं, लाते भी किसी को, उनको बताइए तो सही कहाँ लेकर जा रहे हैं, किस किस मुद्दे पर आप उनको लेकर जा रहे हैं। इस समय लाइव तस्वीरें आपको बता रहे हैं प्रदर्शनकारी या उनको पुलिस रोकते हुए। और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं अपनी पार्टी महिला विंग इसे बाहर सड़कों पर आते हुए। ये समय लाइव तस्वीर है आपको बता रहे हैं, पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है, रोका जा रहा है महिलाओं को। और हम आपको बता रहे हैं कि जो कि अपनी पार्टी की कार्यकर्ता महिला विंग जो है इस समय सड़कों पर उतर गई और साथ ही साथ पुलिस इनको रोकने की कोशिश की जा रही है क्योंकि सड़कों पर ना और आम जनता को असुविधा का सामना ना करना पड़े, उसके चलते पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है यहाँ पर। और साफ तौर पर अब ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो चुकी है, यानी ये कहीं ना कहीं ये कहेंगे, इस चीज़ का संकेत दे रहे हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं। और इस समय हम आपको दृश्य बता रहे हैं, लाइव दृश्य बता रहे हैं। और ये आपको बता
सारे बलपूर्वक महिला भी गाड़ियों की तरफ बढ़ते हुए बलपूर्वक यहाँ पर जो महिला विंग है अपनी पार्टी की यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं निकलते हुए बार सड़कों पर आने का दमखम अजमाते हुए और पुलिस की यहाँ पर गाड़ियाँ यानी पूरी तैनाती की गई है। ये हम आपको बता रहे हैं बलपूर्वक अपनी पार्टी की महिला विंग बाहर निकलते हुए बलपूर्वक आप देख रहे हैं कि किस तरह जो सबसे हैं वो पुलिस और अपनी पार्टी के लिए बल का प्रयोग होते हैं पुलिस और महिलाओं में धक्का मुक्की यहाँ पे चल रही है। आपको बता रहे हैं जोरदार यहाँ पर धक्का मुक्की चल रहे बल का प्रयोग किया जा रहा है। और यह हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं महिलाओं को यहाँ पर पुलिस द्वारा पकड़ते हुए यानी के डिटेन करते हुए हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं। पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा और यहाँ पर इनको डिटेन पुलिस द्वारा डिटेन किया जा रहा है। नम्रता शर्मा उनकी बाकी महिला जो टीम है उनको और लगातार हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से प्रेस क्लब के यहाँ पे महिलाओं को डिटेन किया जा रहा पुलिस द्वारा पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा और इनको गाड़ियों में भरते हुए डिटेन करते हो पुलिस। ये क्या कर रहे हो आप लोग मीडिया में नहीं होनी चाहिए थोड़ा सर थोड़ा सर हमें भी करने दीजिए थोड़ा सा ये समय हमको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट के माध्यम से डिटेन करते हुए पुलिस द्वारा इनको डिटेन करते हुए वो देख रहे किस तरह से गाड़ियों में भरकर इनको ले जाया जा रहा है। चल 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 दीदी बोले मैम भाई बता रहे हैं डिटेन किया जा रहा पुलिस द्वारा इनको महिला विंग को और नम्रता शर्मा साथ में उनकी जो समर्थक है उनको भी हमें आपको बता लगातार यहाँ पर क्योंकि पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर महिला विंग जो बाहर प्रदर्शन करने आए थे पुलिस द्वारा उनको डिटेन किया। हम लाइव दृश्य से हमें बता रहे दैनिक शिफ्ट के माध्यम से लाइव दृश्य हमने बताया दैनिक शिफ्ट के माध्यम से किस तरह से महिला विंग अपनी पार्टी की बैरिकेड्स को तोड़कर बाहर आने की कोशिश की गई पर पुलिस द्वारा उनको यहां रोकने की कोशिश की और साथ ही साथ डिटेन भी किया गया। महंगाई की मार को लेकर हर जन की जिंदगी आज परेशान है हर कोई परेशान है। जो लोग सुबह कमाते शाम को खाते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं जिंदगी का गुजर बसर बहुत ही जरूरी है। इवन के हर एक व्यक्ति इस समय परेशान है महंगाई की मार से। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।